guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, you know, कल की वीडियो में हमने मोमेंटम के बारे में जाना था, किस तरह से मार्केट चार्ट पर मोमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट चार्ट्स में किस तरह से हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, किधर मूवमेंट कर सकता है, क्या चांसेस रहते हैं और किस तरह से वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सारी चीजों को हमने कवर किया था. ओके, देन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस फ्लैट टॉप एंड बॉटम के बारे में. ओके, तो आप अगर इंडिकेटर के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैट टॉप एंड बॉटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्कफुल स्ट्रेटजी है. तो गाइस आप इसको अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं. ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे. इसको अप्लाई करके हम ट्रेड भी करेंगे और ये जानेंगे कि क्या होता है. सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग को ज्वाइन कीजिए, जहां आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री शोर शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं. ओके, उनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. एंड क्यूडेक्स पर अगर आप सभी ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि फ्लैट टॉप एंड बॉटम को अप्लाई करने के लिए आपको एक लाइव अकाउंट चाहिए होगा, तो उसको आप लिंक दे रखा है, लिंक से अकाउंट बना सकते हैं. ओके, उसको लिंक से अकाउंट क्रिएट करके आईडी कंफर्म करवा के देन डिपॉजिट कंप्लीट करके आप वहां से द रिलायबल वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मोर ट्रेड प्रोवाइड की जाती है, शो चॉप प्रोवाइड करा जाते हैं, जिनको अप्लाई करके फॉलो करके आप अगेन अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, सो ये फ्लैट टॉप एंड बॉटम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, आइए जानते हैं. वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 21,200 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं. ओके ओके, जिस इंडिकेटर का नाम है वो मैं शो करा देती हूँ यहाँ पर. ओके, ये रहा हमारा फ्लैट टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर. ओके, सो आज मैं फ्लैट टॉप एंड बॉटम के बारे में बताने वाली हूँ. सो फर्स्टली हम यहाँ पर अपना जो है इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं. ये आप देखते हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये हमारा ऑलरेडी जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो हमारा जिगजैग इंडिकेटर है. ओके, एंड गाइस फर्स्टली हम यहाँ पर अपने इंडिकेटर को अप्लाई कर लेते हैं, फ्लैट एंड टॉप हमने यहाँ पर ये ले लिया. ओके, सो इसी को मैं आप सभी को अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ. उसके कलर की बात करें तो गाइस कलर जो ऐसा आप सभी को अलग से दिखाई दे, तो ये कलर अभी फिलहाल ठीक है. ओके, इसके अलावा येलो कलर नहीं, मर्ज हो जाएगा, ये रेड कलर मर्ज हो जाएगा, ग्रीन कलर भी मर्ज हो जाएगा, यही कलर ठीक है. तो हमने फिलहाल यहाँ ये ब्लू कलर ले लिया है. ओके, इस वक्त अबव पॉन अगर टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 21:47, मतलब 9:45 का टाइम हो रहा है. ओके, लगभग मैं अभी नाइट के 9:45 के आसपास आप सभी के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. ओके, सो इन्फॉर्म कर दियो कि यूआरयूएसडी के चार्ट पर मैं आप सभी को ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर 90% प्रॉफिट रेट दे रहा है. ओके, सो ये हमारा फ्लैट टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर है, जिसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी इस स्ट्रेटजीज को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. गाइस ध्यान से समझिएगा, तो फर्स्टली हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं. ओके, तो इसको मैं इस तरह से कुछ उठा के रखूँगी. ओके, अभी जिस तरह से ये हमारा इंडिकेटर शो कर रहा है, मैंने इसको इस तरह से ले लिया. हमें यहाँ से गाइस दो बेस अपने एडजस्ट करने हैं, मिलाने हैं. ओके, हम किस तरह से दो बेस यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, हमें वही देखना है. ओके, सो गाइस फर्स्टली हमने कुछ इस तरह से ये बेस ले लिए हैं, ये इस तरह से ये दो बेस, ये एक बेस. ओके, मैं सारा भी बिल्कुल आपको क्लियरली हो जाएगा गाइस. ओके, देन दूसरा बेस जो यहाँ पर मिलेगा वो हमें इसके बेस को मिलाते हुए, ये जो हमारा एक बेस दिख रहा है, वन बेस एंड टू बेस गाइस, पॉइंट टू पॉइंट मिला होना चाहिए. ओके, तो ये कुछ हमारा इस तरह से सेट हो चुका है. ओके, आप देख रहे हैं कि हमारा ये वन बेस, ओके, ये हमारा डाउन पीक पॉइंट वन, डाउन पीक पॉइंट टू, बेस नंबर टू, बेस नंबर वन. ओके, हमने ये बिल्कुल सेट कर लिए हैं, दोनों को मिला लिया है, ये हमारा सपोर्ट है गाइज. ओके, देन रेजिस्टेंस की बात को तो मैंने दोनों के जो नीचे जिन सपोर्ट को मैंने एडजस्ट करके मिलाया है, इन दोनों के मिलाने पे हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमारा देखिए बिल्कुल सेट आ चुका है. ओके,
नीचे के हमने दो बेस मिलाए, ऊपर का हमारा ऑलरेडी अपने आप से सेट हो गया। ओके सो आप देख रहे हैं हमने ये इसको फ्लैट टॉप एंड बॉटम को मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया है। ओके सो गाइज इसको समझना कैसे मैं आपको बताऊँ। अब देखिए हमने मैंने किन्हीं दो बेस को ले लेना है। ओके किन्हीं दो बेस को इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है कि दो बेस आपस में एक इक्वल पैरामीटर के साथ मिलते हुए नजर आए। ओके सो यहाँ पर एक बेस दो बेस हमने मिला लिए हैं, रेजिस्टेंस भी हमारा यहाँ पर मिल चुका है। गाइस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि अभी मार्केट हमारा एक फ्लैट मार्केट चल रहा है। ओके बिल्कुल फ्लैट मार्केट जा रहा है स्ट्रेट सीधा ओके ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, अभी अपर ट्रेंड में। ओके सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी हमारा मार्केट अभी इस तरह से कुछ चलेगा सीढ़ी के आकार का। ओके यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे अभी जब तक जाएगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये सारे स्ट्रेटजी सारे फंडामेंटल्स सारे इंडिकेटर्स हमेशा ब्रेकआउट पर काम करते हैं। ओके सही तरह से अगर हमने इनको अप्लाई कर लिया है तो गाइस ट्रस्ट मी आप जैसे ही इनके ब्रेकआउट होते हैं वो आपके लिए अच्छे अवसर बन जाते हैं, अच्छा मौका बन जाते हैं ट्रेड प्रेस करने के लिए, विनिंग के लिए। ओके सो इसके हमें यहाँ पर फिलहाल अभी देखना है कि हमारा अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके देन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अभी हमारा साइड मार्केट चलने लगा है। ओके ये कुछ साइड मार्केट चलने लगा है। ओके देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ये कुछ ऊपर जाएगा। देन अगर जैसे ही यहाँ पर अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है गाइज तो ये चीज़ें हमें समझने वाली हो जाती हैं कि जैसे ही अपर ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट करता है मतलब अभी हमारा कंटिन्यू मार्केट अपआउट की ओर जाएगा। श्योर है 100% श्योर है कि अगर जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है तो अपआउट के लिए मार्केट जाएगा। अगर जैसे ही अगर ये हमारा यहीं से रिटर्न ले लेता है तो मतलब यहाँ से दो रेजिस्टेंस हमारे टच हो जाएंगे, यहाँ से रिवर्स भी ले सकता है, चांसेस ये भी है कि यहाँ से हो सकता है कि ये रिवर्स ले ले। ओके देन हमें यहीं पर ऐसे टाइम पर वेट करना होता है, ये हमारा सही टाइम नहीं होता है, एक्यूरेट टाइम नहीं होता है ट्रेड प्रेस करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे मैं गाइस हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा रुक के वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। ओके सही टाइम आने पर ही हमें ट्रेड प्रेस करना है अगर आपको विनिंग ट्रेड चाहिए तो। ओके सो अभी हम इस ट्रेड के इस कैंडल के खत्म होने तक वेट करेंगे, एंड होने तक कि हमें ये कैंडल और नेक्स्ट कैंडल हमें क्या रिजल्ट शो करती है कि ब्रेकआउट होगा या फिर इसी फ्लैट के अंदर हमें ये कैंडल ये ट्रेंड हमें रिवर्स के लिए मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा। ओके सो वेट करेंगे, मुझे लगता है कि ये शायद ब्रेकआउट करे। ओके अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर दो पॉइंट रेजिस्टेंस टच होंगे तो यहाँ से रिवर्स ले लेगा। ओके ब्रेकआउट करेगा तो मतलब यहाँ से शॉर्ट मार्केट हमारा अपोर्ट के लिए बहुत लंबा मार्केट अपोर्ट के लिए जाएगा। ओके सो 39 सेकेंड्स के लिए हम वेट करेंगे। देन गाइज अगर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कभी भी किसी भी स्ट्रेटजीज या किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई करने के लिए आपको ना लैपटॉप पर जो है इस तरह से कुछ चार्ट ओपन कर लेना है। ओके इस तरह से आप जैसे ही चार्ट ओपन करेंगे बड़े टाइम का ओके बिग टाइम का देन आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा फंडामेंटल यूज़ करना है। ओके अब हमने यहाँ पर उसको जूम आउट कर लिया है। जूम आउट करने पर आप ऐसे इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं। हमने फिलहाल यहाँ पर जूम इन करके देख रहे हैं कि 40 सेकेंड्स के बाद अभी हमें मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट दो बनते हुए यहाँ से मोड़ लेगा। जैसे ही यहाँ पर दो डाउन पीक पॉइंट हमारे बने हैं, एक बेस पॉइंट टू देन ऐसे ही रेजिस्टेंस वन बनेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस टू बन सकता है। ओके सो हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाले हैं अभी, चूंकि यहाँ पर हमें कुछ क्लियरली कह नहीं सकते कि हमारा जो है ट्रेंड डाउन ले लेगा रिवर्स ले लेगा यहाँ से रेजिस्टेंस टू पॉइंट टच करते हुए या फिर हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने का कोई चांस नहीं है तो मतलब ये यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस वन रेजिस्टेंस टू यहाँ से इस लेवल को टच करते हुए यहाँ मार्केट यहाँ पर वापस आएगा। ओके सो जैसे ही वापस आता है हम ट्रेड यहाँ से डाउन की ओर प्रेस करेंगे। गाइस लेट हो गया है, फिलहाल मैं $200 में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ओके देखते हैं कि रिजल्ट क्या हमें मिलता है ट्रेड का। ओके थोड़ा सा लेट हो गया है, 2 सेकंड हमें एंट्री करने में लेट हुई है लेकिन वेट करेंगे। ओके अगर यहाँ से हमारा ब्रेकआउट करना होगा तो फिर तो भी पता चल जाएगा गाइज। ओके सो देखते हैं कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। मार्केट फ्लक्चुएट तो कर ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। देन यहाँ पर 20 ये देख रहे हैं आप। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ गाइज, मार्केट चार्ट्स में ये जैसे ही जो लंबी लंबी शैडो बनती है ना, लंबी लंबी शैडो बनती है इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा वोलाटाइल है, फ्लक्चुएट हो रहा है।
ओके शेडो जिस चार्ट में नहीं बनती है वहाँ हमारे चांसेस होते हैं ट्रेड ज़्यादा बिन होने के, वहाँ हमारा मार्केट अच्छा होता है। ओके तो अच्छे मार्केट की और बुरे मार्केट की आप पहचान करना सीखें। ओके सो ये ट्रेड हमारी गाइज विन हो चुकी है, हमारे $200 विनिंग आ चुके हैं। ओके तो गाइज आप सभी ने देखा कि किस तरह से फ्लैट टॉप एंड बॉटम वर्क करता है, किस तरह से हम मार्केट चार्ट पर सही कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ करके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं एंड किस तरह से हम इनके ट्रेड करने के प्रॉफिट वाले विनिंग वाले पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, सारी चीजों को हमने कवर किया था। तो होप सो आप सभी को ये गाइस आज की वीडियो देखने के बाद फ्लैट टॉप एंड बॉटम अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके ट्रेड भी करेंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे होप सो। एंड गाइस होप सो आप सभी को ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि टॉप एंड बॉटम की न्यूज ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ओके एंड गाइस इस चैनल को मॉडर्न ट्रेडिंग को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ओके एंड गाइस मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर कीजिएगा ताकि जो कि हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है अच्छा वर्क करने के लिए। ओके सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।